हेलो दोस्तों हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं जब साझेदारी फर्म की बात की थी किसी पार्टनरशिप फर्म की बात की थी तो उसमें यह भी देखा था कि सेवानिवृत्ति हो जाती है किसी पार्टनर की या फिर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो वैसी स्थिति में भी हम लोग क्या करते हैं जो हमारा पार्टनरशिप डीड होता है जो साझेदारी विलेख होता है इसको तो हिंदी में बोलते हैं साझेदारी विलेख और बहुत ही ज्यादा कॉमन टर्म है इंग्लिश में पार्टनरशिप डीड एक वो डॉक्यूमेंट जिसमें सारी कंडीशंस लिखी रहती हैं और सारे जो भी एक तरह से एग्रीमेंट हुआ है वो लिखा रहता है पार्टनरशिप के केस में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पार्टनरशिप डीड तो वो सेवानिवृत्ति और मृत्यु के साथ दोनों में ही केसेस में क्या होता है बदल जाता है क्या हो जाता है अस्तित्व समाप्त हो जाता है और एक बात ये सोचो कि हमारे जो इस चैप्टर का नाम है वो क्या है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कब साझेदार की सेवानिवृत्ति या फिर मृत्यु पर तो एक और बात यहाँ पे समझने की है कि सेवानिवृत्ति हो जाए किसी का किसी का रिटायरमेंट हो जाए या फिर किसी की डेथ हो जाए मृत्यु हो जाए दोनों ही केसेस में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो लेखा व्यवहार है वो लगभग लगभग एक जैसा होता है कोई बहुत अंतर नहीं होता इस वजह से हम दोनों चीजों को एक साथ ही पढ़ ले रहे हैं ठीक है तो होता है क्या है सेवानिवृत्ति मृत्यु दोनों के केसेस में ज्यादा अंतर नहीं होता है इसलिए हो क्या जाता है जो साझेदारी विलेख है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है पार्टनरशिप डीट जो है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है लेकिन मान लीजिए तीन पार्टनर्स थे अब तीन में किसी एक का रिटायरमेंट हो गया बाकी दोनों पार्टनर्स तो अभी भी हैं बिजनेस भी अभी भी है तो वो आगे किस तरह से बिजनेस करेंगे इसके लिए क्या होता है नया पार्टनरशिप डीड की आवश्यकता होती है किसकी आवश्यकता होती है नए साझेदारी विलेख की आवश्यकता होती है ठीक है और इसमें क्या क्या चीजें होती है इसी को जो ये नया जिसकी आवश्यकता है इसी को हम लोग बोल देते हैं पुनर्गठन ठीक है क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है ऑफिशियली वो क्या होता है पार्टनरशिप डीड होता है उसी को फिर से रिडिजाइन करना उसमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता है उसी को मिलाकर के हम लोग बोल देते हैं कि यह पुनर्गठन हो गया अब इसमें हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है उसी में समझ लीजिए ख्याति गुडविल है ना परिसंपत्तियां और दायित्व तो इनका पुनर्मूल्यांकन और साथ में लाभ और हानि क्या क्या हुई इन सारी चीजों को देखा जाता है कब जब हम लोग किसका निर्धारण कर रहे होते हैं कुल राशि का कुल राशि के निर्धारण के लिए किसके लिए कुल राशि अगर कोई सेवानिवृत्त इंसान है तो उस इंसान को कितना पैसा दिया जाना चाहिए है ना और अगर मान लीजिए कि कोई उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके लिए कोई कानूनी उत्तराधिकारी होता है ठीक है जो भी हो कानूनी रूप से उत्तराधिकारी उस इंसान को हम लोग क्या करते हैं जो भी उसका हिस्सा बनता है वो दिया जाए या फिर अगर हानि बहुत ज्यादा हो गई है तो कैसे लिया जाए तो वो जो कुछ भी होता है ना उसमें हम लोग सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं जिसमें से मुख्य रूप से ये है आदि लिखा हुआ है क्योंकि अभी मैं आपको इसी वीडियो में सारे से करके लेकर के बता दूंगा तो इन सारी चीजों को हम लोग क्या कर रहे होते हैं कुल राशि के निर्धारण के अच्छा, लिए तो कानूनी उनको हमने लो लोगों कुछ दे दिया राशि धारण करने के बाद से लेकिन जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके लिए जब हम लोग एक नए साझेदारी विलेख का बना रहे हैं फिर से उसको जब बनाने के बाद में क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा आवश्यक हुआ करती थी एक तो हमारा होता था नया लाभ विभाजन अनुपात जो प्रॉफिट शेयरिंग का प्रपोर्शन है किस रेशियो में होगा किस प्रशन में होगा किस अनुपात में होगा लाभ का विभाजन हानि का विभाजन भी वैसे होता है लाभ और हानि दोनों में एक ही रहा चलता है तो वो भी अब बदल सकता है जरूरी नहीं है बदले बदलेगा नहीं बदलेगा हम लोग बताएंगे कब बदलेगा तो एक तो इसको भी हमें मेंशन करना होता है कब जो हमारा नया साझेदारी विलेख है नया डीड में और साथ में गेनिंग रेशियो इसको क्या बोलते हैं हम लोग नीचे को गेनिंग रेशियो। तो भी भी हमें कभी-कभी 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 बदलने बदलता 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 है कभी -कभी नहीं नहीं तो तो कब कब वो भी हम लोग अभी तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अब हम लोग क्या करते हैं हम लोग ये देखते हैं कि जिसका पार्टनरशिप के बाद से रिटायरमेंट हुआ है पार्टनरशिप में या जिसकी डेथ हुई है उनको हम लोग जो भी राशि दे रहे होंगे तो देने में कौन कौन सी चीजों को देखेंगे और उसके तुरंत बाद हमें देखेंगे कि अगर उनसे कोई राशि लेनी होगी बकाया होगी तो कौन कौन सी चीजें देखी जाएंगी ठीक है तो इसको चलिए देखते हैं हम लोग बात कर रहे थे कि जो अमाउंट ड्यू है किसको जो भी पार्टनर था और जो रिटायरमेंट हो रहा है जिसका या फिर जिसकी डेथ हो गई है तो उसको दे राशि या फिर अमाउंट ड्यू का निर्धारण कैसे करेंगे बड़े आसानी से समझना है और साथ में कटौतियों को भी हम इसी से लिंक करके देख लेंगे तो हमें कटौतियां अलग से याद करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी चलिए एक एक करके देखते हैं सबसे पहले तो पूंजी खाते में जो भी उसका पूंजी खाता था उसमें जो जमा शेष है तो जो कैपिटल अकाउंट है कैपिटल अकाउंट में अगर उसके पास कुछ पैसे पड़े हुए थे तो वो आप उसको दे दोगे सीधी सी बात है तो एकदम क्लियर हो गया ठीक फिर उसी के चालू खाते का जमा शेष तो चालू खाते को हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट तो करंट अकाउंट में अगर पैसे हैं और जमा है तो आप क्या करते हो करंट अकाउंट से भी पैसे दे दोगे ठीक है उसको जिसका रिटायरमेंट हो रहा है तो ये भी एकदम क्लियर हो गया है ना अच्छा ख्याति में उसका भाग पार्टनरशिप जो भी थी जो आपका बिजनेस था उसमें ख्याति में उसका भी एक हिस्सा है तो वो हिस्सा भी आप जिस टाइम पर उसका ये निर्धारण कर रहे होगे कि उसको कितना पैसे देने हैं तो उसमें आप इस पार्ट को भी जोड़ दोगे क्योंकि ख्याति में उसका भी एक हिस्सा होगा ठीक है ऐसे ही संचित लाभों संचित लाभों को हम लोग बोलते हैं profits, है ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो भी बिजनेस को प्रॉफिट हुए तो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है संचित लाभ लाभ है उसी को हम लोग बोल देते हैं रिजर्व क्या बोल देते हैं रिजर्व तो जो रिजर्व है उसमें उस पार्टनर का हिस्सा जो भी पहले से निर्धारित हो कैसे निर्धारित तो हुआ होगा सोचिए जो हमारा साझेदारी विलेख था पहले से है ना जो भी हमारा पार्टनरशिप डीट था उसमें लिखा होगा तो उस हिसाब से जो भी हिस्सा बनता है और अभी तक का मतलब होता है कि हम लोग लेखा वर्षो में डिवाइड करते हैं तो पिछले लेखा वर्ष तक के जो भी प्रॉफिट या फिर लेखा वर्षो को छोड़ करके अगर हमने क्वार्टर्स में भी बात कर ली तो पिछले तिमाही तक जो फायदा हुआ उसको भी हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे और उसके बाद से क्या होता है ना जो भी एसेट्स हैं फर्म के पार्टनरशिप फर्म के या फिर एसेट्स को हम बोलते परिसंपत्तियां या फिर जो लाइबिलिटीज हैं उनका हम पुनर्मूल्यांकन करते हैं ठीक है, है? अचानक से किसी की मृत्यु हो गई तो हम लोग ये देखते हैं कि यार अब हमारे पास कितने एसेट्स हैं हमारे पास मतलब बिजनेस के पास और कितनी लाइबिलिटीज हैं बिजनेस को बाकी लोगों को कितने पैसे चुकाने हैं उसका हम लोगों ने पुनर्मूल्यांकन किया और अगर वो मूल्यांकन में हमें जो भी हमने माना हुआ था उसकी तुलना में हमें ज्यादा फायदा हो रहा है ठीक है माना था हम लोगों ने कि सब कुछ मिला करके हमारे पास नेट दस लाख का बनता है कितने का बनता है दस लाख का क्या जो परिसंपत्तियां हैं और देनदारियां कुल मिलाकर के हमें दस लाख का पॉजिटिव अमाउंट बनता है और मान लीजिए हमने पुनर्मूल्यांकन किया तो हमें दिखाई पड़ा नहीं दस नहीं दस लाख नहीं है तो बारह लाख हो गया है ठीक तो उस टाइम पर ये दो लाख का जो अंतर बना है ना क्योंकि दस लाख तो उसके समय पर भी था जब वो था उसको भी पता था लेकिन अब हमने देखा तो बारह लाख निकल कर आ गया तो ये जो अंतर आया है जो गेन हुआ है परिसंपत्तियों तथा दायित्व के पुनर्मूल्यांकन में उसके अभिलाभ का भाग अभिलाभ मतलब ये जो गेन हुआ है तो ये जो तो दो लाख एडिशनल बना है ना जो हमने पुनर्मूल्यांकन करके निकाला कि पहले की तुलना में ज्यादा गया है क्या तो उसमें उसका भाग ठीक है आपने देखा कि अरे ये तो में ज्यादा निकल करके आ रहा है तो जो एडिशन है ना उस पर पूरे पर नहीं है समझना लाख क्योंकि दस लाख वाले तो पहले से उसका इंक्लूडेड किया जब भी हम लोगों ने उसके साथ देखा था तो वो भी इंसान था पार्टनर या तो उसका रिटायरमेंट नहीं हुआ था या तो वो जीवित था तो जो एडिशनल गेन है उसकी बात करेंगे और उसमें उसके हिस्से की बात करेंगे ठीक है फिर अगला क्या हो जाता है कि जो भी जिस दिन उसका निवृत्ति हुई या फिर मृत्यु हुई उस तारीख तक लाभ में उसका भाग अब यहां है अगर तिमाही नॉर्मली एक साल का लेते हैं हमारे साथ इंडिया में एक अप्रैल से लेकर इकतीस मार्च तक का फाइनेंशियल है उसी को लेखा वर्ष में मान लेते हैं तो लेखा वर्ष के अंत तक तो आपका जो भी प्रॉफिट था एकटेड हो गया उसके बाद से भी तो ये करेंट अकाउंट पीरियड चल रहा है ना और उस अकाउंट पीरियड में भी अगर फायदा हुआ है तो उस फायदे में भी उस आप उसको हिस्सा दोगे और ऐसे ही होता है सेवानिवृत्ति और मृत्यु की तारीख तक उसकी पूंजी पर ब्याज अब ये पूंजी कौन सी पूंजी है ये देखो पूंजी में उसके जो भी पूंजी खाता था उसमें कुछ राशि जमा थी और अगर देखिए इसमें से ही क्या है ना आप एक और बात समझिए ये सारी चीजें आप जोड़ने की कोशिश करोगे हो सकता है कि उस पर आपने ब्याज पर रखा ही नहीं है या उस पर ब्याज नहीं मिला तो ये शून्य हो जाएगा नहीं जोड़ोगे आप उसको लेकिन अगर ब्याज मिला होगा तो वो ब्याज उस इंसान को जाएगा क्यों क्योंकि क्यों उसकी पूंजी का हिस्सा था तो उस पर जो ब्याज मिला है वो भी आप उसको दे दोगे और इसी तरह से सेवानिवृत्ति या फिर मृत्यु की तारीख तक वेतन कमीशन की बकाया राशि ठीक है तो उसकी जो भी सैलरी बाकी है या फिर उसका जो कमीशन बाकी है आप वो भी दे दोगे क्या कर दोगे आप वो भी दे दोगे आगे बात समझ में एकदम सिंपल है आठ पॉइंट्स हैं इसको एक बार नोट डाउन करो एक बार रिवाइज करो उसके बाद से कभी नहीं भूलोगे आप उसमें इंटरलिंक्ट है देखो पूंजी खाते का शेष जमा शेष और साथ में पूंजी खाते के साथ साथ उसी पर ब्याज ये हो गया लाभ के दो हो गए एक तो हो गया कि इस साल जिस तारीख तक उसकी मृत्यु हुई है या मृत्यु हुई है उस तक जो लाभ हुआ है उसमें उसका भाग और दूसरा क्या हो गया जो एक्लेटेड प्रॉफिट थे जो संचयित लाभ थे रिजर्व उसमें हिस्सा ठीक है ख्याति तो हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में आपको पता कि ख्याति में भी उसका हिस्सा बनेगा अब ये चालू खाते में जमा शेष अगर है करंट अकाउंट होता है ना करंट अकाउंट में बैंक भी कोई इंटरेस्ट नहीं देती है तो करंट अकाउंट चालू खाते में आप ये मत सोचना कि वहां पर ब्याज क्यों नहीं मिल रहा है ये भी समझ लीजिए चालू खाते में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जो आपका पूंजी खाते में जमा शेष है उस पर आपको इंटरेस्ट वाला ऑप्शन बन सकता है जरूरी नहीं हो अगर है तो जोड़ दो के चालू खाते में तो जोड़ने का स्कोप ही नहीं है अच्छा और वेतन तो आप देते ही हो तो इसमें कोई भी चीज नहीं छूटी सिर्फ एक ही नई चीज आ गई क्यों क्योंकि अब क्या हो रहा है आप पार्टनरशिप को रिवैल्युएट कर रहे हो आप उसका पुनर्गठन कर रहे हो और पुनर्गठन के समय हम लोग फिर से एसेट्स को और लाइबिलिटीज को परिसंपत्तियों को और साथ में देनदारियों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं और हमने देखा कि अगर इसमें अभिलाभ हो रहा है गेन हो रहा है तो फिर उसको हिस्सा दे देंगे और अगर इसमें हानि होगी तो क्या करेंगे सोचिए बिल्कुल सिंपल है अगर भाई हानि हो रही होगी तो हम उसने ही हिस्से का जो उसका हिस्सा बना है उतने को ही घटा देंगे तो यहां पर जो कटौती होगी अब कटौतियों को देखना स्टार्ट करते हैं अगर हानि हुई पुनर्मूल्यांकन में ठीक है मान लीजिए लाख 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 मैंने बोला था की जगह बन गया गया तो तो, तो प्रॉफिट हो गया। अब इस समय हम लोग ने पुनर्मूल्यांकन किया तो देखा यार ये तो दस लाख नहीं था आठ ही लाख है तो दो लाख की हानि हो गई अब उस हानि में भी उस पार्टनर का जो हिस्सा बनता है उसको हम लोग घटा देंगे क्या करेंगे घटा देंगे कटौती की बात करते हैं अच्छा अब कटौती में एक बात समझ लो पूंजी खाते में तो आप पैसे जमा ही करोगे पूंजी खाते में ऋणात्मक तो हो नहीं सकता है लेकिन करंट अकाउंट ऋणात्मक हो सकता है है ना ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी होती है और करंट अकाउंट तो डे टू डे लाइफ के लिए काम कर रहे हो अगर आपने किसी तरह से ज्यादा आहरण कर लिया था तो क्या हो जाएगा आपका जो चालू खाते का जमा शेष है उस पर आप निगेटिव भी हो सकते हो तो अगर यहाँ पर आपका जो चालू खाता है उसमें बैलेंस ओवरड्राफ्ट की वजह से या किसी भी कारण की वजह से निगेटिव है तो आप क्या कर सकते हो उसको भी आप घटा दोगे और ये जो शेष आता है वो क्या आता है डेबिट साइड पर आता है ठीक है तो डेबिट साइड बोल देते हैं तो नाम पक्ष की बात कर देते हैं ठीक है तो डेबिट साइड में अगर है बैलेंस किसमें करंट अकाउंट में ठीक नाम पक्ष बोल दो या फिर डेबिट साइड बोल दो किसका जो आपका चालू खाता है करंट अकाउंट ठीक हो गया अच्छा अब क्या करते हैं अब देखिए एक और सोचिए कहां से आ सकता है कटौती की बात इसमें तो कटौती नहीं आएगी इसमें आ सकती है क्या आ सकती है ये आ गया अगला पॉइंट देखो, ख्याति में उसका भाग इसमें कई तो तो है, है बार ऐसा होता है ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे तो राइट ऑफ किया जा सकता है राइट ऑफ करने का मतलब होता है उसको अपलिखित कर देंगे उसको हम जोड़ेंगे नहीं तो अगर अपलिखित हो गई है या अपलिखित किए जाने का प्रावधान था साझेदारी विलेख में प्रॉपर पार्टनरशिप डीड में तो हम क्या कर सकते हैं इसको भी डिडक्ट कर सकते हैं अगर अपलिखित होने का प्रावधान है तो ठीक है यदि जरूरी नहीं करो अगर होगा तो इसको भी कर देंगे ऐसे ही देखिए संचयित लाभों में अगर उसका हिस्सा तो संचयित लाभ की जगह अगर मान लीजिए एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो गए आपके बिजनेस को लगातार लॉस होते जा रहे लॉस होते जा रहे लॉस होते जा रहे हैं तो अगर यहां पर लाभ की जगह हानि होगी तो उसमें भी हिस्सा ठीक है आगे बात समझ में और इसके बाद क्या है परिसंपत्तियों तथा तो दायित्वों का हम लोग बात कर ही चुके थे इसमें भी अगर हानि हो गई पुनर्मूल्यांकन में देखा गया कि नहीं नहीं पहले की वैल्यू से कम हो गया इसका मतलब हानि हो गई तो उसमें भी हिस्सा आपको देना पड़ेगा तो ये कटौती और कितनी कटौती होगी देखिए कटौती भी गिन लेते हैं ये पहली कटौती हुई ये हुई दूसरी कटौती तीसरी चौथी और आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है देखो इसमें नहीं है ठीक ऐसे ही अभी आपको समझ में आ जाएगा सेवानिवृत्ति मृत्यु की तारीख तक लाभ में उसका भाग तो अगर लाभ में भाग है तो निश्चित रूप से अगर हानि हुई होगी तो उसमें भी भाग होगा पार्टनरशिप में क्या होता है कि सभी को लाभ हो रहा है तो सबको लाभ मिलता है जो भी रेशियो है उसमें लेकिन अगर हानि हो रही तो सब लोगों को हानि भी साथ में बांट करके शेयर करनी पड़ती है और इसके बाद क्या हो जाएगा कि अगर पूंजी पर ब्याज है तो देखो पूंजी खाते में जमा था और पूंजी पर आपको ब्याज मिल सकता है ब्याज नहीं मिलेगा तो आपको कुछ घाटा थोड़ी होगा तो इसमें भी आपको क्या हो जाएगा कोई हिस्सा नहीं आएगा समझ के अच्छा अब इसके बाद क्या है कि वेतन और कमीशन ये भी आपको मिलेगा तो इससे भी सीधा सीधा लेने वाला कोई भी आपकी कटौती नहीं होगी लेकिन अब एक बार बात समझना कुछ नई कटौती आएगी नई कटौती कैसी हो जाएगी आहरण पर आहरण समझते हैं ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स ये कला वाली ड्रॉइंग्स नहीं ड्रॉ करते हो ना आप है ना जो आ, ड्रॉई होता है जो पैसे निकालना होता है बैंक से या किसी भी जगह से तो अगर आपने आहरण कर रखा है मान लीजिए किसी पार्टनर ने जिसका रिटायरमेंट हुआ उसने पहले से ही पैसे निकाल लिए थे तो जो आपने पहले से ही पैसे निकाल रखे हैं वो दे राशि में आप पहले से निकाल चुके तो उसको हम हटा देंगे और मान लो कि अगर आहरण राशि पर ब्याज भी लगा है क्या है ब्याज किस पर आहरण की गई राशि पर जो आहरित राशि उस पर तो हम उसको भी हटा देंगे ये जरूरी नहीं है अगर ऐसा होगा तो ठीक है तो आपको क्या समझ में आ गया सबसे पहले तो समझ लो कि भाई आठ चीजें ऐसी हैं जिसको हम लोग दे के समय पर जो उसको देना है पैसे उसमें जोड़ेंगे और सात चीजें ऐसी हैं जिसको क्या करना है अगर हमें घटाना है तो हम घटा देंगे और उनमें से दो चीजें यहां पर पूंजी खाते वाली और पूंजी खाते पर ब्याज वाली इनका कोई सीधा लेना देना नहीं है तो आप सोचोगे आठ हट गए तो यहां पर छह चीजों का लेना देना होगा छह में भी एक और चीज है जब वेतन और कमीशन की बात आती है उसको आप तो कर नहीं सकते हो लेकिन अगर मान लीजिए पहले पहले से से ही वेतन ले रखा है किसी भी तरह से, या कमीशन आपने पहले आगे तक का दे दिया है तो अगर किसी भी तरह से आहरित की गई राशि ज्यादा है तो उस पर वो भी आप घटा दोगे कटौती में आ जाएगी और साथ में आहरित की गई राशि पर अगर ब्याज का सिस्टम है तो आप उसको भी हटा दोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा कुल मिलाकर के साथ ऐसी एंट्रीज आती हैं जिसको आपको देखना रहेगा तो क्या होता है कई बार हम नंबर दिमाग में बैठा लेते हैं ना तो हम बड़े आसानी से लिख पाते हैं आपको समझ आता था कि हाँ आठ था जिसमें से पांच तो डायरेक्टली कनेक्टेड थी छठे वाले को भी हम कनेक्टेड मान सकते हैं वेतन कमीशन वाले पर इसमें दो बन जाती है, है ना तो इसमें आठ में से दो तो देना देना नहीं है तो छह हुआ लेकिन यहां पर आरहन और आधरण के साथ आरहन पर ब्याज वाली बात आ जाती है इसके साथ हो जाता है तो आराम से कर दिया नॉर्मली अपलिखित करने वाला कौन अगर कुछ भी रहेगा तो पहले से हमें पार्टनरशिप बीट में बताया गया होता है कि कैसा रहेगा अदरवाइज ये तो सीधा सीधा देखो यार तीनों हानि वाले सही ही न हानि होगी लाभ होगा तो लाभ हो गया हानि होगी तो हानि हो जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म में है ना तो हम लोगों ने ये देखा अब ये समझ लो कि हम लोग क्या बता रहे थे पुनर्गठन तो तो अभी अभी हुआ नहीं अभी तो हमने इसकी बात की कि जिसकी जिसकी डेथ हो गया, जिसने सेवानिवृत्ति गई उसके साथ क्या होगा अब पुनर्गठन होगा तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी उनको भी एक साथ देख लेते हैं इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए क्यू कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है कक्षा बारह तक के सभी प्रमुख विषयों विषयों पर पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया